हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल इंग्लिश चैनल। फर्स्ट वर्ड है एमनोरिया। एमनोरिया, एमनोरिया मतलब होगा एन एबनॉर्मल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमनोरिया, ए एम ई एन ओ डबल आर एच ओ ई ए, एमनोरिया। यहाँ पर एच ओ साइलेंट है, इसका मतलब है एन एबनॉर्मल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो एमनोरिया इस तरह की स्थिति है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेडिसिन साइंस में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, बड़े जीनियस टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो यह फाउंडेशन कोर्स है। एमनोरिया का मतलब होता है कि एन एबनॉर्मल एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, महिलाओं में जो मासिक जो पीरियड का अभाव हो जाता है, सामान्यतः तो नहीं होता है, तो वह एमनोरिया है। यह भी बहुत बड़ी डिजीज कहा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एनीमिया, ए डिफिशियंसी इन द ब्लड। रेड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन एनीमिया, खून की कमी या बीमारी है। ए डिफिशियंसी इन द ब्लड रेड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, जो खून की कमी, ब्लड सेल्स में कमी आ जाना या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। ए एन ए ई एम आई ए, यह ब्रिटिश स्पेलिंग है। अमेरिकन स्पेलिंग में एनीमिया को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एन ई एम आई ए। तो यो अमेरिकन स्पेलिंग है, बट इन इंडिया ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन एंड ब्रिटिश स्पेलिंग इज अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पर आप एनीमिया यही लिखें तो ज्यादा बेटर होगा। थर्ड वर्ड है एनोशनिया, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, एस एम ई डबल एल। एनोशनिया, लॉस ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, यानी यह एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि सूंघने की जो शक्ति है, कैपेसिटी ऑफ स्मेलिंग, वो समाप्त हो जाती है। पेशेंट को पता नहीं चलता कि किस तरह का फ्रेग्रेंस है, वह शून्य हो जाता है एक तरह से। उसे पता नहीं चलता कि किस तरह की सुगंध है, ठीक है, वर्स्ट है या द बेस्ट है, ठीक है, कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, ये बीमारी होती है, आप इसे बाय हार्ट लर्न करें। थर्ड वर्ड है एफेसिया, एफेसिया लॉस ऑफ एफेसिया, लॉस ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच। एफेसिया एक बीमारी है कि जिसमें हम बोलने की क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है और उसे हम समझ भी नहीं पाते किसी की स्पीच को। तो लॉस ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच ओइंग टू ब्रेन डैमेज। अगर किसी का जो ब्रेन डैमेज जब हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किसी कि स्पीच को हम समझ भी नहीं पाते और हम बोल भी नहीं पाते, तो यह खतरनाक है, मेंटल डिसऑर्डर है। तो एफेशिया
loss of speaking and understanding of speech owing to mental disbalance or mental damage. तो मानसिक अवरुद्धता के कारण किसी व्यक्ति की आवाज नहीं निकलती है या किसी की आवाज वह समझ नहीं पाता है तो माइंड नंब हो जाता है ऐसी सिचुएशन में, तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट से ट्रीटमेंट डायग्नोसिस की जरूरत होती है. नेक्स्ट वर्ड है एफोनिया, लॉस ऑफ द वॉइस. लॉस ऑफ द वॉइस इसका भी है, दोनों में अंतर है. लॉस ऑफ द वॉइस, लॉस ऑफ द वॉइस इसमें आवाज जो निकलती नहीं है, क्यों नहीं होती है, तो थ्रू द डिजीज ऑफ द लैरिंग्स और माउथ. तो लॉस ऑफ द वॉइस थ्रू द डिजीज ऑफ लैरिंग्स और माउथ. जो एफोनिया लॉस ऑफ द वॉइस थ्रू द डिजीज ऑफ लैरिंग्स और माउथ, जो अंतर है दोनों में. एफोनिया क्या होता है कि किसी का लैरिंग्स यानी वोकल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, तो उसकी आवाज नहीं निकलती है, या जो माउथ में कोई ऐसी डिजीज आ जाए तो वह व्यक्ति एफोनिया का शिकार होता है. तो हम यूं कह सकते हैं लॉस ऑफ द वॉइस थ्रू द डिजीज ऑफ लैरिंग्स और माउथ. जो लैरिंग्स होता है हमारा वोकल कॉर्ड्स होता है, तो यह इतना खतरनाक नहीं है जितना कि एफेशिया खतरनाक है. तो एफेशिया और एफोनिया में यही अंतर है कि एफेशिया होता है लॉस ऑफ स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीच ऑइंग टू ऑन अकाउंट ऑफ ब्रेन डैमेज. तो अगर ब्रेन डैमेज किसी का हो जाता है तो खतरनाक है, तो वह बोल नहीं सकता है, किसी का स्पीच को वह समझ नहीं पाता है, बिल्कुल एक तरह से गुंगा सा हो जाता है और मानसिक स्थिति बद से बदतर हो जाता है, फ्रॉम बैड टू वर्स. तो इसे हम एफेशिया बोलते हैं. एफोनिया होता है वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स या माउथ में कमी आ जाती है, ठीक है, तो वह व्यक्ति एफोनिया का शिकार होता है. हद तक इसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है, बेटर हो सकता है. तो गाइज क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड है सिरोसिस, CIRROSIS, सिरोसिस. सिरोसिस तो यहां पर हम देखते हैं कि एच ओ साइलेंट है, सिरोसिस. सिरोसिस यहां पर देखते हैं कि एच साइलेंट है, ठीक है, CIRROSIS, सिरोसिस. ए क्रॉनिक लीवर डिजीज इज कॉल्ड सिरोसिस. जो क्रॉनिक लीवर डिजीज होता है बहुत ही डिफिकल्ट है पेशेंट को इससे बाहर निकलना, ठीक है, तो लीवर में जो इन्फ्लामेशन होता है उसे हम सिरोसिस बोलते हैं. तो सिरोसिस एक क्रॉनिक लीवर डिजीज इज कॉल्ड सिरोसिस. ऐसा इस तरह की जो बीमारी होती है, लोग ज्यादातर अल्कोहल लेते हैं, एक तरह से हेपेटाइटिस की वजह से भी यह सिरोसिस होता है, एक क्रॉनिक लीवर डिजीज, ठीक है. तो लोग ज्यादा एडिक्शन है अल्कोहल का, ठीक है, या स्मोकिंग करते हैं, तो सिरोसिस की बीमारी होती है जो बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, तो इसलिए क्रॉनिक लीवर डिजीज होता है, ठीक है, अल्कोहलिज्म के कारण ये बीमारी हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट है डिसमेनोरिया, ठीक है, पेनफुल और डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिसमेंसिया. जो डिसमेंसिया है महिलाओं की रोग है, तो मेंस्ट्रुएशन में काफी पेन हो, काफी जो दर्द हो या डिफिकल्टी आ जाए, तो इसे हम डिसमेनोरिया बोलते हैं. डिसमेनोरिया DYSMENORROHEA. तो डिसमेनोरिया है. यहां पर आप देखेंगे कि जो कुछ वर्ड एच साइलेंट है,
पेनफुल और डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन। पेनफुल और डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। क्लियर हो गए है कि बहुत सारी जो ऐसी वुमेन हैं जो जिन्हें मेंस्ट्रुएशन में काफी पेन देखा गया है, दर्द से तड़पती रहती है, कराती रहती है, तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उसे गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हेमोराइड्स, HAEMORROIDS, हेमोराइड्स। तो यहाँ पर एच साइलेंट है, तो हेमोराइड्स क्या होता है, स्वोलन वेन्स इन द एनस इज कॉल्ड हेमोराइड्स। जिसे हम पाइल्स भी कहते हैं, यह बवासीर की बीमारी होती है, एनस सूज जाता है और काफी ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो इसे हम हेमोराइड्स बोलते हैं। क्लियर है, हेमोराइड्स HAEMORROIDS, हेमोराइड्स। ठीक है, स्वोलन वेन्स राउंड द एनस, एक तरह की ये पाइल्स है। क्लियर हो गया है, जो मल द्वार है जहां से मल एक्सक्रेटा जो इजेक्ट होता है उस जगह एनस उसे हम बोलते हैं। अगर उसमें काफी क्या हो तो स्वल मतलब सूज जाए, सूजन हो जाए, ठीक है, तो इस तरह की बीमारी को हम पाइल्स कहते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है, इसका भी ट्रीटमेंट जरूरी हो जाता है, हेमोराइड्स है। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरटेंशन, HYPERTENSION, हाइपरटेंशन। ठीक है, एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जो हाइपरटेंशन होता है हाई ब्लड प्रेशर, किसी का डायस्टोलिक और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है हम देखते हैं कि अगर 140 से 135 से ज्यादा होता है, नीचे का भी अगर 80 से ज्यादा हो जाता है तो वह जो पेशेंट है हाइपरटेंशन का शिकार होता है। तो एबनॉर्मल हाई ब्लड प्रेशर, टू हाई ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है, उससे अगर ज्यादा आ जाए, तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 180/120 है तो वह बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, पेशेंट का ब्रेन हेमरेज हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है। तो यह हाइपरटेंशन है, टू हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, बी वेयर ऑफ हाइपरटेंशन। तो किसी तरह की बात की नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है और कूल रहना है इसे बचने के लिए। तो ये हाइपरटेंशन है, टू हाई ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता है, क्लियर है, स्पष्ट मैं करके समझा रहा हूं आपको, तो वह हाइपरटेंशन का शिकार होता है। तो इस केसेज में क्या करना है, तो आपको कूल रहना है, कुछ योगा प्रैक्टिसेस आपको करनी चाहिए और उसके साथ ही मतलब जो अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स आए उसे ब्रेक करना है, ठीक है, कूल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है, साउंड स्लीप लेना है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन, टू लो ब्लड प्रेशर, टू लो ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटेंशन। अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया है तो वह शिकार है हाइपोटेंशन का, यह भी खतरनाक है, ठीक है। इस केसेज में पेशेंट जो काफी हेडेक अनुभव करता है, हाइपोटेंशन तो कुछ ज्यादा ही हेडेक होता है, इसमें हाइपोटेंशन में पेशेंट सोता ही रहता है, स्लीप सिकनेस है, उसे कुछ होश भी नहीं रहता, ठीक है, जो अनकॉन्शसनेस की सिचुएशन हो जाता है। तो टू लो ब्लड प्रेशर, अगर मान लिया कि किसी का ब्लड प्रेशर 80/60 है,
तो यार टू लो ब्लड प्रेशर है या उसके लिए काफी हार्मफुल है, डायस्टोलिक सिस्टोलिक मतलब नॉर्मल नहीं होता है इस सर्कमस्टेंसेस में। नेक्स्ट वर्ड है हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया होता है एबनॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर। एबनॉर्मल हाई बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है। हम जो मोस्टली देखते हैं कि 98 डिग्री जो होता है या नॉर्मल होता है, अगर उससे बॉडी टेम्परेचर ज्यादा 100 आ जाए 110 आ जाए तो वो आदमी अंडर दैट सर्कमस्टांसेस उनकी डेथ भी हो सकती है। तो हाइपरथर्मिया। टू हाई बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 98 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हो जाए, मान लिया कि किसी का 103 यानी 103 हो जाए 107 हो जाए तो ही सफरिंग फ्रॉम हाइपरथर्मिया। यह बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, तो इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए हाइपरथर्मिया का। तो टू हाई बॉडी टेम्परेचर, एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक। इसका अपोजिट है हाइपोथर्मिया, टू लो बॉडी टेम्परेचर। टू लो बॉडी टेम्परेचर, अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, मान लिया कि 70 के आसपास हो जाए तो हाइपोथर्मिया कहते हैं, जो बहुत ही पेशेंट को डुबा सकता है, हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। हाइपर थायरोडिज्म, ठीक है, ओवर एक्टिविटी ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड्स। तो यह क्या होता है, हाइपर थायरोडिज्म होता है, इसमें केसेज में क्या होता है, हार्ट बीट बहुत ज्यादा होने लगता है और मेंटली और फिजिकली वह काफी अपसेट हो जाता है पेशेंट, ठीक है। तो हाइपर थायरॉइड ओवर एक्टिविटी ऑफ द ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड्स, ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड्स हाइपर थायरॉइडिज्म होता है कि अंडर दिस सर्कमस्टांसेस क्या होता है, जो पेशेंट का जो हार्ट पल्पिटेशन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है और फिजिकली और मेंटली वह काफी एम्बेरेस्ड रहता है, तो हाइपर थायरोडिज्म होता है। क्लियर हो गया है कि हाइपर थायरोडिज्म क्या होता है, तो हार्ट पल्पिटेशन जो काफी बढ़ जाता है, ठीक है, और वह घबराहट बहुत ज्यादा होने लगती है हाइपर थायरोडिज्म में, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है और पेशेंट बेचैन सा होने लगता है, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता। हाइपोथायरोडिज्म, सब नॉर्मल थायराइड इज कॉल्ड हाइपोथायरोडिज्म। तो सब नॉर्मल थायराइड इज कॉल्ड हाइपोथायरोडिज्म। हाइपोथायरोडिज्म यह भी काफी नुकसान है, इसमें हम देखते हैं कि ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स होता है, ठीक है, हार्ट, ठीक है, बीटिंग बहुत ही ज्यादा हो जाता है, पेशेंट काफी घबराता है, लगता है कि हार्ट अटैक हो गया है, बेचैनी सी आ जाती है। और हाइपोथायरोडिज्म में भी सब नॉर्मल थायराइड होता है, इसमें हम देखते हैं कि वह काफी जो पेशेंट है इसमें भी बहुत ही खतरनाक होता है, यह भी वह जो रेस्टलेसनेस सिचुएशन में आ जाता है। एंड फाइनल है पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसंस डिजीज होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में डिजॉर्डर हो जाए तो यह पार्किंसन डिजीज होता है, जो मस्कुलर रिजिडिटी बढ़ जाता है और जो पेशेंट दर्द से बेचैन होने लगता है, तो यह नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है पार्किंसन डिजीज, जो डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाता है तो उसे पार्किंसन नाम की एक टेबलेट भी दी जाती है, जिससे वो काफी राहत मिल जाती है। तो आप देखेंगे कि आज मैंने 15 वर्ड्स का
थोरोली मेटिकुलसली साइंटिफिकली, ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, इंटरप्रिटेशन किया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप MBBS करना चाहते हैं या अपने वोकैबुलरी को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या एडवांस नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये बहुत है। फिर से इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, एमनोरिया, ठीक है, एनीमिया, एनोसमिया, एफेशिया, एफोनिया, सिरोसिस, डिसमेनोरिया, हेमोरॉइड्स, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपर थर्मिया, हाइपोथर्मिया, हाइपरथायराइड्स, हाइपोथायराइड्स और पार्किंसंस डिजीज। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर जो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमें कमेंट करना। इस तरह की बोनाफाइड वीडियो को मैं हमेशा आपके सामने लेकर आते रहूंगा।